अब गाइस को कुछ टाइम से आप लोग को ये सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द आपको अपने मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर अपडेट देखने को मिलने वाले हैं और काफी सारे न्यू बंडल्स को एंड एक दो गन स्किन को अपने मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर ऐड कराया जाएगा। तो फाइनली उस चीज को बार हमारे पास आ गया है बिल्कुल कन्फर्म अपडेट। जी हाँ, यानी कि मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर आपको किस कन्फर्म डेट में अपडेट देखने को मिलने वाले हैं एंड कौन कौन से बंडल और गन स्किन को मैजिक क्यूब में दिए जाएंगे दोनों ही पता चल गया है, और इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं दोनों ही बताऊंगा। और इसके साथ में बात करने वाले हैं नेक्स्ट बुइया पास के बारे में, नेक्स्ट बुइया पास के अंदर कौन कौन से आइटम्स एंड उसका बंडल देखने में कैसे होने वाले हैं टू जेड पूरा वीडियो क्लिप के रूप में रिव्यू आ गया है। आज मैं बिल्कुल पूरा कंप्लीट रिव्यू करा दूंगा नेक्स्ट बुइया पास का। देन आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आने वाले अपने गेम के अंदर एक न्यू इवेंट के बारे में, जो कि आप लोगों को 12 तारीख को देखने को मिलने वाले हैं। 12 तारीख को जो इवेंट आएगा उसके चलते आप लोगों को कुछ फ्री का रिवॉर्ड्स देखने को मिलने वाले हैं एंड हां वो भी अनलिमिटेड। अब ऐसा तो क्या चीज है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर जो बताया जाएगा। वैसे हां अपडेट जो है वो सिर्फ इतने में खत्म नहीं होते, बात कर लेंगे टू नाइट अपडेट के बारे में, कल क्या कुछ न्यू इवेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं इन गेम के अंदर। देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आया हूं, ऊपर से बुइया पास का रिव्यू है, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और स्किप भी मत कीजिएगा, देखते रहो। हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समय पर बात करने वाले हैं टू नाइट अपडेट के बारे में, यानी कि कल क्या कुछ न्यू इवेंट आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। असल में कल आप लोग को रमादान स्पेशल एक न्यू स्पेशल लक रॉयल इवेंट गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसका सिंपली रिव्यू आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कौन कौन से आइटम्स को यहां पर दिया गया है। कुल मिलाकर 4 आइटम्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और इनके बारे में पहले आपको मैंने अपडेट कवर कर दिया था कि 6 तारीख को आपको एक स्पेशल लक रॉयल गेम के अंदर देखने को मिलेंगे एंड हां ये वही वाला स्पेशल लक रॉयल है। आपको 4 आइटम्स में कटना का स्किन देखने को मिलेंगे, बढ़िया सा बंडल देखने को मिलेंगे जो कि मुझे खास नहीं लगा है, कैमल बंडल इसका नाम दिया गया है, और साथ ही आप लोग को एक बढ़िया सा स्कार्फ देखने को मिलेंगे जो कि मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगा है। बाकी रिवॉर्ड्स वगैरह आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो ये कुछ ऐसे आइटम्स जो कल आपको अपने गेम के अंदर दिए जाएंगे एंड हाँ इनमें से एक आइटम्स अगर आपको एक बार मिल गया दूसरी बार वो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो इनडायरेक्टली करने वाले कहना ये चाह रहे हैं कि हम तुम्हें डायमंड को ज्यादा खर्च नहीं करवाएंगे, थोड़ा सा कम डायमंड के अंदर ही तुम्हें रिवॉर्ड्स दे देंगे। और बाकी भाई जबकि ये स्पेशल लक रॉयल है तो इस वजह से आप लोग को स्पेशल लक रॉयल के अंदर जो आइटम्स वगैरह देखने को मिल रहा है इसके साथ में आप लोग को टोकन वगैरह नहीं मिलेंगे रिंग इवेंट की तरह, तो आप लोग को स्पिन करके आइटम्स को लेना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आप लोग इतना समझ लो 1000 से लेकर 1500 डायमंड के अंदर आप लोग इजीली एक एक करके आइटम्स को ले पाओगे। हो सकता है कि 1500 डायमंड के अंदर आपको 2 आइटम्स देखने को मिल जाए क्योंकि आइटम्स उतना खास नहीं है, तो इसलिए करना वाले डायमंड भी उतना कुछ ज्यादा नहीं काटने वाले आप लोगों से। तो ये हो गया आज के लिए टू नाइट अपडेट। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं इन गेम के अंदर आए हुए एक न्यू इवेंट के बारे में एंड कुछ फ्री के रिवॉर्ड्स के बारे में। जैसे कि आप लोग सिंपली यहां पर बैनर देख पा रहे हो, वैसे आपको पता ही है ऑलरेडी आज गेम के अंदर हमें जो है अनलिमिटेड कस्टम कार्ड देखने को मिल गया है 12 घंटे के लिए। वैसे ये आज नहीं चलेगा, मतलब एक दिन आपको देखने को नहीं मिलने वाले, ये लगातार 18 तारीख तक चलाया जाएगा अपने गेम के अंदर। मतलब 18 तारीख तक आप लोग को हर दिन बिल्कुल फ्री में कस्टम कार्ड देखने को मिलने वाले और वो भी 12 घंटे के लिए अनलिमिटेड। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में 12 तारीख को बोल दिया था गलती से, बट ये 12 घंटे हो गए असल में। सो 12 घंटे के लिए आप लोग को कस्टम कार्ड अनलिमिटेड देखने को मिलने वाले और वो भी 18 तारीख तक। मतलब समझ सकते हो डेली कितना दिन आपके हाथ में कस्टम में गेम प्ले करने के लिए, तो कस्टम कार्ड क्लेम जरूर कर लीजिएगा। तो ये एक अपडेट था, मतलब बिल्कुल फ्री में कस्टम कार्ड मिलने का अनलिमिटेड वो भी। खैर अब हम इसके साथ में वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नेक्स्ट बुइया पास के बारे में, यानी कि आप लोग को मे मंथ पे कौन सा बुइया पास अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे एंड वो कौन कौन से आइटम्स जो कि आप लोग को नेक्स्ट मे मंथ बुइया पास के अंदर देखने को मिलने वाले। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं बैनर दिखा दे रहा हूँ जो कि आप लोग यहाँ पर सिंपली देख पा रहे हो, एक बंडल दिया गया है और काफी सारे रिवॉर्ड्स आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो वैसे तो आप लोग को रिवॉर्ड्स बैनर के अंदर देखकर पूरा समझ में आएगा नहीं, क्योंकि इमोट एक ऐसा चीज है वो आपको दिखा नहीं पड़ेगा। ग्लू वाल हो, ग्रेनेड स्किन का रिव्यू, ये सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा, तब जगह आपको इफेक्ट्स के बारे में पता चलेगा। सब लोग यहाँ पर रिव्यू देख पा रहे हो कौन कौन से आइटम्स आप लोग को बुइया पास के अंदर देखने को मिलने वाले। अब गाइस अगर देखा जाए तो भाई देखो नेक्स्ट में आपको अपने गेम के अंदर जो बुइया पास देखने को मिलने वाले हैं काफी जबरदस्त बुइया पास आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्या क्या आइटम्स आप लोग को दिए जाएंगे बुइया पास के अंदर, आओ देख लेते। सबसे पहले आप लोग को ये वाला गन स्किन देखने को मिलने वाले, जो कि इस बार कहीं एक न्यू गन स्किन तैयार किया गया था गेम के अंदर दिया गया था, इसका असल में स्नाइपर गन है। तो कोई VSK-94 ऐसा गन स्किन न्यू आया नहीं था ना, ये वही वाला गन स्किन है। तो इसका स्किन आपको जो है अपने नेक्स्ट बुइया पास के अंदर देखने को मिलने वाले। देन नेक्स्ट रिवॉर्ड्स की बात करें, जैसे कि आप लोग यहाँ पर एक बैट का स्किन देख पा रहे हो, ये वाला बैट का स्किन भी आपको बुइया पास के अंदर देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा इफेक्ट्स वगैरह बैट स्किन के अंदर ऐड भी किया गया है, तो देखने पर ये बढ़िया भी लग रहा है वैसे। उसके बाद गाइस कुछ इस तरीके से आपको ग्रेनेड का स्किन भी अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं एंड हाँ ये जो ग्रेनेड स्किन दिया गया है, अगर हम बात करें इफेक्ट्स वगैरह की, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा बढ़िया देखने को मिलने वाले हैं। असल में खास करके नेक्स्ट बुइया पास को जो अपने गेम के अंदर दिया जा रहा है उसको अलग ही थीम पे दिया जा रहा है। मतलब आप लोगों ने देखा होंगे कुछ रोबोटिक चीज जैसा होता है ना, वैसा कुछ आप लोगों को जो नेक्स्ट बुइया पास अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट में कहूँ तो टेक्नोलॉजी के ऊपर इसको दिया जाएगा, चाहे कैसे भी आइटम्स हो, आप लोग को हर एक आइटम्स टेक्नोलॉजी के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि सिंपली आप लोग यहाँ पर एक मतलब जो लूटबॉक्स का स्किन भी देख पा रहे हो, मतलब लूटबॉक्स के ऊपर डिस्प्ले वगैरह लगा गया है, एकदम अजीब भी लग रहा है देखने पर और बढ़िया लग रहा है भाई,
अजीब नहीं है, मतलब देखने पर बढ़िया लग रहा है। खैर हम आगे बढ़े और रिवॉर्ड्स की बात करें, तो आप लोग गाइस यहां पर कुछ और भी रिवॉर्ड्स देख पा रहे हो, जहां पर सबसे पहले आप लोग को इस तरीके से सर्व बोर्ड का स्किन दे दिया जाएगा। एंड हाँ, ये भी भाई देखने पर थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, पीछे से आप लोग को इफेक्ट्स और एनिमेशन वगैरह जो है देखने को मिलेंगे अपने सर्व बोर्ड के अंदर। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई देखो ओवरऑल यहाँ पर जो आइटम्स को दिया गया है मुझे तो भाई ये देखने पर बढ़िया ही लग रहा है। खैर नेक्स्ट रिवॉर्ड्स की बात करते हैं, तो आप लोग सिंपल यहाँ पर एक जीप का स्किन देख पा रहे हो। वैसे तो भुइया पास हो चाहे इलाइट पास हो, जहां पर भी हमें गाड़ी का स्किन देखने को मिलता है वहां पर एनिमेशन इफेक्ट्स कुछ नहीं होता। तो इसके अंदर भी आप लोग को कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाले हैं, एनिमेशन इफेक्ट्स कुछ दिया नहीं जाएगा, बस एक थीम सा जीप का स्किन आपको भुइया पास के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद गाइस ये होने वाला है अपना बैकपैक स्किन लेवल 1, 2, 3, तीनों लेवल आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। कौन से लेवल पर बैकपैक देखने में कैसे होंगे तीनों लेवल आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो ये वाला बैकपैक स्किन आप लोग को नेक्स्ट में भुइया पास के अंदर देखने को मिलेंगे। मुझे इसका लुक कुछ ज्यादा खास लगा नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा अजीब टाइप का डिजाइन कर दिया गया है बैकपैक को, बट मुझे उतना कुछ बढ़िया लगा नहीं है ये बैकपैक स्किन। में अपनी राय बता रहा हूँ, मतलब अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो ये कुछ आइटम्स थे जो कि आप लोग नेक्स्ट में भुइया पास के अंदर देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं इमोट कौन सा रहेगा एंड बंडल कौन सा रहेगा। सिंपली आप लोग यहाँ पर इमोट का भी रिव्यू देख पा रहे हो, एक घोड़े वाला कुछ इमोट तैयार किया गया जो कि आप लोग यहाँ पर सिंपली रिव्यू के अनुसार देख ले रहे हो। तो ये बेसिकली यही वाला वो इमोट है कि आप सभी को नेक्स्ट में भुइया पास के अंदर देखने को मिलने वाले। अब आपको इतना तो पता ही है कि जब आपको भुइया पास के अंदर इमोट देखने को मिलता है फिर आपको ग्लू वॉल का स्किन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग को इमोट में दिखा दिया हूँ कौन सा इमोट मिलने वाले, बट आपको ग्लू वॉल का जो स्किन है वो भुइया पास के अंदर देखने को नहीं मिलने वाले, बिकॉज आपको इमोट मिलेंगे। देन बात करें बिल्कुल लास्ट में बंडल की, तो आप लोग यहाँ पर बंडल देख पा रहे हो। बेसिकली ये वाला बंडल आप लोग को नेक्स्ट में भुइया पास के अंदर मिलेंगे, मतलब मैं मेल बंडल और फीमेल बंडल दोनों बंडल आपको दिखा दे रहा हूँ। सो मेल फीमेल बंडल दोनों आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। पहले गाइस आपको यहाँ पर मैं फीमेल बंडल दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग यहाँ पर मेल बंडल भी देख पा रहे हो। तो ये दोनों बंडल आपको नेक्स्ट में भुइया पास के अंदर देखने को मिलेंगे। अब उम्मीद है पूरा भुइया पास का रिव्यू हमने करा दिया है, तो कैसा क्या कुछ भुइया पास आपको लगा है बताना कमेंट बॉक्स में। और क्या आप लोग मे मंथ भुइया पास को बाय करने वाले हो या फिर नहीं बताना ये भी कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आओ गाइस इसके साथ में अब हम जरा आगे बढ़ते वीडियो में बात करते हैं आने वाले गेम के अंदर नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के बारे में, कौन कौन से बंडल को नेक्स्ट में मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर अपडेट के रूप में दिया जाएगा एंड उसका कंफर्म डेट क्या कुछ हो सकता है। जैसे ही गाइस आप लोग यहाँ पर सिंपली रिव्यू देख पा रहे हो, आप लोगों को मैं काफी सारे बंडल यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर कुछ सर्वर के अंदर इस तरीके से मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर हमें जो है नया नया बंडल्स वगैरह देखने को मिल गया है। तो भाई आप लोग को बहुत जल्द अपने गेम के अंदर जो है मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर अपडेट देखने को मिलेंगे आफ्टर OB44 अपडेट। और गाइस को जैसे ही आप लोग को 17 तारीख को अपने गेम के अंदर हमें जो है अपडेट देखने को मिल जाएंगे, तो भाई उसके बाद ही आपको मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर भी अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर तो मैं आपको बहुत सारा बंडल दिखा रहा हूँ, बट गन स्किन भी यहाँ पर ऐड किया गया, लेकिन शायद ये बिल्कुल सेम टू सेम बंडल आपको नहीं मिलेंगे। इनमें से कुछ बंडल आपको दिया जाएगा एंड कुछ बंडल रिमूव कर दिया जाएगा, दूसरा बंडल उसके जगह पर आपको अपने मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल तो इतना ही अपडेट है अपने फ्री मैजिक क्यूब को लेकर। सॉरी गाइस, फ्री मैजिक क्यूब लोगों को रमादान पर तो नहीं मिला है, देखते आगे जगह मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन मैजिक क्यूब अपडेट को बार इतना ही अपडेट था आज के वीडियो में। खैर अब हम आगे बढ़ते वीडियो में बात करते हैं कुछ कमेंट्स के रिप्लाई के बारे में। खैर तो देखते हैं पहला कमेंट, मेरे प्यारे इंग्लिश के गुरुजी आप ये बताएंगे कि कोबरा बंडल कब आएंगे, प्लीज बताएंगे गुरुजी। यू देखिंग आई एम नॉट गुरुजी फॉर इंग्लिश, आई एम द एवरी वेरी टैलेंटेड आई एम द वेरी बहुत बढ़िया इंग्लिश टीचर, सो प्लीज कीप बोलिंग मी सर, नॉट बैटिंग ओनली बोलिंग और नॉट फील्डिंग भी। अबे साले। इसके साथ गाइस अगला कमेंट देखते हैं, सनी भाई इवो फिस्ट कब आएगी वापस, CNG बहुत महंगी है। यार कसम से भाई पेट्रोल भी महंगा हो रहा है साला, CNG भी महंगा हो रहा है, तो मतलब पता नहीं यार सब साला महंगाई क्यों हो रहा है, दिन के दिन किसी में कमियां नहीं आ रही है, मतलब कोई। अच्छा मैं कमेंट दूसरा पिक कर रहा था, महंगे पे आ गए। तो गाइस देखो ऐसा है कि फिलहाल तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाले हैं CNG। सॉरी गाइस थोड़ा सा गलत हो गया था, आई एम रियली सॉरी। तो आप लोग को अभी का टाइम पे इवो CNG इवो पेट्रोल देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, इसके बारे में जब करने वाले अपडेट देंगे तब आपको बता दिया जाएगा। साले तू इवो फिस्ट स्किन, सॉरी गाइस। खैर इसके बाद गाइस अगला कमेंट, सनी भाई आपका IPL में फेवरेट टीम कौन सा है बोल दो। देखो यार मेरा तो है चेन्नई इंडियंस। गाइस आज कमेंट का रिप्लाई थोड़ा ज्यादा ही कुछ अलग साइड जा रहा है, पता नहीं कब कौन लाठी वगैरह लेकर आ जाए, तो इसलिए मैं वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में कल शाम को। सो तब तक के लिए बाय।